नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कि पेटीएम मॉल पे हमने शॉपिंग की। उसके बाद से तरह तरह के SMS आ रहे हैं कि आपकी कार लगी है, आपके इतने रुपए की लकी विनर निकले हो, आप 6,000 रुपये जमा कराइए, 8,000 रुपये कराइए, 10,000 कराइए, और वो सारे अकाउंट नंबर दे रहे हैं SBI बैंक के। और मेरे पास जैसे SBI बैंक की BC थी, तो एक एजेंट ने अभी जिसके साथ मेरी बात हो रही है उसने बोला कि ये पेटीएम मॉल का अकाउंट नंबर है। मैं बोला ठीक है, दे वो अकाउंट नंबर। मैंने जब बैंक BC के अंदर उसको अपडेट करके देखा तो मणिपुर साइड का किसी का नंबर है वो, और उसका पूरा एड्रेस भी आया हुआ है मेरे सामने। तो ये इस प्रकार से आपके पास कोई भी SMS आए तो उससे बचना है। और जिस एजेंट से मेरी बात हुई है वो देखिए, मैं अभी सुनाता हूँ आपको। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मैं मिस्टर नितिन कुमार शर्मा बात रहा हूँ सर, पेटीएम मॉल कंपनी से बात रहा हूँ सर, लकी डोर डिपार्टमेंट से। हमारी कंपनी से आज का डेट में एक मैसेज आपको प्राप्त हुई है जी। हमारी कंपनी पेटीएम मॉल से आज का डेट में आपको एक मैसेज मिले सर जी जी। उसमें एक बिनर आईडी नंबर होगी सर, वो नंबर आप बता पाएंगे क्या नंबर जी? बिनर आईडी नंबर सर। इसमें फोन से नहीं लग रहा है मैम, क्या सर फोन से नंबर देखना पड़ेगा वो तो। हाँ जी। हाँ फिर क्या करना है उसका, क्या सर करना क्या है उसका जी? आपने चेक करेंगे सर, नेट पे चेक करेंगे सर, आपका जो हमारी कंपनी से हुंडई वरना कार लगी हुई है सुबह अवसर पर, उसके बाद 13 लाख का गाड़ी आपको दिया जा रहा है, इनाम में दिया जा रहा है। पैसे आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज लेंगे, जो आपने अगर कैश लेंगे सर तो उसमें आपको कैश के लिए 6,500 रुपये लगेगा, 6,500 रुपया। अगर कार लेते हैं तो कार में आपको 8,200 तक दिया सर, जो पेपर का गाड़ी का पेपर बनेगी, पेपर का साथ में आपको गाड़ी फॉर्म के लिए मिलेगी। कैश लेते हैं तो कैश के लिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उसमें जेंडर पासपोर्ट कोड एक्टिवेट होता है, उसके लिए आपको कोड के लिए आपको 65 रुपये का पेमेंट करना होता है। आप पहले मैसेज पढ़ेंगे सर, मैसेज पढ़ लेंगे उसके बाद आपको अच्छी तरीका से जानकारी मिलेगी। वो यहाँ गाड़ी जब डिलीवरी करोगे तो उस टाइम ले लेना जी। जी उस टाइम देने की बात नहीं है सर, जो आपका यहाँ से कानून से चलनी होगी सर, कानून से आप चलेंगे तो बिल्कुल आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो ऐसे मुसीबत में आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने आपको आज का डेट में जो प्राइज जीते हैं तो उसमें दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। आप पहले मैसेज पढ़िए। मैसेज तो मैंने देखा है, वैसे कानून जानते हो क्या आप? क्या सर कानून जानते हो क्या? मतलब सर कानून का बात ये नहीं है सर, कानून तो हर लोग जानते हैं, जो कानून कंपनी का तो है, वो तो थोड़ा कानून में ये लिखा है किसी को पागल नहीं बनाए, किसी को फ्रॉड नहीं करें, ये कानून में लिखा है ना ये? बिल्कुल 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 सर। तो हाँ तो फिर ये क्या साथ है फ्रॉड सर, आपको समझ आ रही है मेरी बात सुनिए। आपने पेटीएम द्वारा आप ये क्या बोलते हैं जो मेटेरियल डिस्पेस करते हो उस दुकान के शॉपिंग वाले होंगे या किसी को आपने जो जानकारी एड्रेस की किसी को दे दी या आप ही खुद ही होंगे? जी जी नहीं सर, अगर आपको ऐसा समझ में आ रहे उसमें टोल फ्री नंबर है ना मौजूद, टोल फ्री नंबर जो टोल फ्री नंबर होता है टोल फ्री नंबर है, कनेक्शन ले लिया आपने ठीक है वो हो गए, टोल फ्री नंबर हो गया, और क्या पेटीएम खुद दे देता सबके खुद के वॉलेट पे देता है पेटीएम जी? नेट नेट पे आप देख सकते हैं, नेट पे देखिए। फिर नेट में क्या देखना है, साइट तो मैंने अभी जो आपका यहाँ से जानकारी दिया गया है वो जानकारी अगर सही साबित नहीं होता है तो आप उसको फ्रॉड समझ सकते हैं। तो जानकारी तो आपने ऑर्डर नंबर और ये सब वो तो प्रिंट होता ही है जब डिलीवरी देते हो, तो वो तो जानकारी है ही आपके पास है जी जी जी। इतनी आपको है तो आप जितना रुपए मांग रहे हो उससे मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, आप गाड़ी डिलीवरी करने के लिए आ जाओ, और अपने आपके पॉकेट में 5,000 रुपए में अपने पॉकेट से लगा करके कानून कार्रवाई कर लो और मेरे से ले जाना 50,000 रुपए ले जाना। और बोलो। बिल्कुल मैं आपको ये बताना चाहूंगा सर, आपका गाड़ी मैं यहाँ से होम डेबिट करवा दिया ठीक है, लेकिन गाड़ी वाली स्टेट जाएगी पेटीएम कंपनी पेटीएम मॉल से,
तो आपका अगर स्टेट गाड़ी जाएगी, आपका नाम उस पर रजिस्टर्ड नहीं रहेगी, आपका पेपर नहीं रहेगी आपका नाम से, तो अदर स्टेट जाएगी गाड़ी तो पुलिस वाले या इनकम टैक्स वाले अगर वहाँ भी पकड़ लेंगे तो वहाँ क्या चल जाएगी मेरे पास ये तो। वो तो नहीं जानेंगे ना कि गाड़ी आपका जा रही है और आपका देश से जा रही है गाड़ी, है तो गलत समझेंगे ना सर। नहीं पैसे दे, मैं पैसे दे दूंगा तो कैसे आएगी वो मेरे पास ये तो। क्या सर? जब मैं पैसे डिपॉजिट कर दूंगा आपको तो मेरे पास गाड़ी कैसे आएगी ये तो। जी जी आपका देश से गाड़ी होम डिलीवर किया जाएगी, जो ट्रांसपोर्ट लोडिंग जाएगी कंटेनर लोडिंग ट्रांसपोर्ट की जाएगी गाड़ी। तो मैं वही बात में बोल रहा हूँ, आप अपने पॉकेट से पैसे दे दो पहले और मैं आपको 50,000 रुपये डालता हूँ अकाउंट में, या आप डिलीवरी गाड़ी के साथ आ जाओ, मैं आपको 50,000 रुपये कैसे दूंगा। उनको दिया जाएगा और अगर जो आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगी उस टाइम, इसलिए मैं आपको ये जानकारी देता हूँ कि सही सोच विचार करके नेट पे चेक कर लीजिए, उसके बाद आप बाय कॉल कीजिए। विचार कर रखे ये आप, जैसे कम से कम 50 मैसेज आ गए मेरे पास, 50 लोगों ने ये फोन कर दिया अलग अलग, और ये 50 मैसेज गए हैं ना सर, उसमें बिनर आईडी नंबर आप बताइए, बिनर आईडी नंबर नहीं बताइए, टोल फ्री नंबर उसमें मौजूद है, उसके नीचे लिंक होगी, उस लिंक में जाइए, लिंक में जाकर के चेक गुमराह कर रहे हो, कम से कम हाथ पैर हिलाओ, थोड़े से कुछ ईमानदारी से खाना खाओ तो आपको। बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी का खाना है, सुबह सुबह मॉर्निंग आवर आपका साथ में, गलत खाना मैं नहीं खा रहा हूँ और गलत मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर गलत किया होता तो मैं आज ये जॉब नहीं किया होता और इस कुर्सी पर मैं नहीं बैठता। ठीक है वो नहीं कर रहे हैं लोगों को, आप पेटीएम से यदि वास्तव में बोल रहे हो तो पेटीएम की ईमेल आईडी से और मेरे पास ईमेल करो, मेरे पास मेरे अकाउंट की टोटल जानकारी पेटीएम के पास है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जानकारी हो ना सर, तो आप पहले मैसेज देखिए और उसके बाद नीचे जाइए और उसमें आप चेक कीजिए, आपको नेट पे नहीं दिखाएगी तब बताइए, आपको इतना काम करने से क्या प्रॉब्लम होता है ये बताइए, उसमें पैसे आपको लगेगी क्या? नहीं पेटीएम के वो अकाउंट के अंदर डिटेल है क्या वो विनर की, ये बताओ मेरे को। जी पेटीएम अकाउंट के अंदर विनर की डिटेल है क्या वो? जी 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 आप मैसेज पढ़िए सर, मैसेज में चेक कीजिए उसके बाद आप बैक कॉल कीजिए। नहीं मैसेज देख लूंगा मैं, मैसेज के छोड़ो, पेटीएम के अकाउंट के अंदर वो डिटेल अपडेट है क्या विनर की, ये पूछ रहा हूँ मैं। जी 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 है जी नहीं है वो? क्या सर क्या नहीं है? पेटीएम के अकाउंट के अंदर वो डिटेल नहीं है, यदि पेटीएम विनर करता है तो पेटीएम के अकाउंट के अंदर वो डिटेल आएगी। जी बिल्कुल पेटीएम अकाउंट जब आपने कैश लेंगे सर तो पेटीएम कंपनी का अकाउंट आपको मैसेज मिलेगा, उस पर आपको डिपॉजिट करना होगा, तो उसी पे आपको करना होगा पेटीएम कंपनी का अकाउंट, ये नहीं कि मैं अपना पर्सनल अकाउंट दे देता हूँ या किसी अदर व्यक्ति को दे दूँ। देखिए इसके बाद इसने अकाउंट नंबर दिया और अकाउंट नंबर पेटीएम कंपनी का था ही नहीं, क्योंकि मेरे पास बैंक पीसी थी एसबीआई की, तो मैंने जैसे ही उसको अकाउंट नंबर डाला तो वो किसी अभानी अभानी के नाम से आया जो पश्चिम मणिपुर का है। तो ये जो है सारे के सारे फ्रॉड हैं, और इस प्रकार का कोई भी एसएमएस आए तो आप उस पर गौर नहीं करें, कोई भी लकी विनर नहीं है, और यदि पेटीएम आपको विनर करेगा तो पेटीएम का जो अकाउंट है आपका उस वो अकाउंट के अंदर ही वो डिटेल अपडेट होगी, अदरवाइज कहीं पर भी वो अपडेट नहीं होगी। तो ऐसे लोगों से आप थोड़ा सचेत रहें, और ये बहुत सारे एसएमएस आ रहे हैं लोगों को, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पेटीएम ने हमारी डिटेल्स है वो लीक कैसे की, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो यदि कोई पेटीएम का एजेंट ये सूचनाएं सुन रहा है तो वो थोड़ा गौर करे और ये इस पर ध्यान दें।